तो आज हमारी इस क्लास में हम एडवांस एक्सेल में बात करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग जो है काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको आगे वीवी प्रोग्रामिंग तक ये आपको साथ देता है, तो काफी ज्यादा यूजफुल है। तो क्या है कस्टम फॉर्मेटिंग, चलिए हम इसी चीज पे डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे जानिए कि आप अपने एक्सेल में कोई भी नंबर एंट्री करते हैं तो जैसा नंबर टाइप करते हैं वैसा दिखता है, या जो आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो दिखता है। अब कस्टम फॉर्मेटिंग आपके द्वारा टाइप की गए नंबर को डिफरेंट नंबर में कन्वर्ट कर देता है, विजिबिलिटी ओरिजिनल आपको वही होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे 150 लिखा तो मुझे यहाँ पे MRP 150 चाहिए। अगर मैंने मैनुअल MRP 150 डाला तो इस पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट हो गया। तो मैं विजुअल सेम चाहता हूँ बट ओरिजिनल में नंबर चाहता हूँ, उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम में ये बहुत सारे कोड्स होते हैं, इन कोड का यूज करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हैश और जीरो, कहीं जीरो कहीं हैश है। सबसे पहले जब समझिए कि हैश और जीरो का पंगा क्या है। देखिए जैसे कि आप चाहते हैं कि नंबर या किसी भी टेक्स्ट के आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगाना, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चाह रहे, जैसे मैं चाहता हूँ MRP चाह, तो आपने सिर्फ उस कोड उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए तो क्या होगा, वो आपका सिर्फ MRP शो करेगा जो आपने शो किया है। तो आपका टाइप किया हुआ नंबर शो नहीं करेगा, टाइप किया नंबर अगर शो करना है तो इसके लिए जीरो या हैश देना होगा। जैसे मैंने जीरो दे दिया तो यहाँ पे देखिए नंबर दिख गया, या हैश दे दिया तो नंबर दिख जाएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है समझिए कि अगर मैं डबल जीरो कर दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 05 दिखेगा, क्योंकि डबल जीरो या ट्रिपल जीरो या 40 जितना जीरो देंगे डिजिट को उतना मेंटेन करेगा, लेकिन हैश ऐसा नहीं करेगा। हैश जितना डिजिट आप टाइप करेंगे उतना ही शो करेगा। यहाँ पे हमने MRP के पीछे लगाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस आगे लगाए या पीछे लगाए। अच्छा मान लीजिए कि मैंने यहाँ जीरो दे दिया, अब क्या है MRP आपके नंबर के पीछे आए, तो इसको प्रीफिक्स सफिक्स जीरो या डबल हैश तो डालना ही पड़ेगा। उसके आगे अगर नंबर डालते हैं तो नंबर के आगे शो करेगा, पीछे डालते हैं तो पीछे शो करेगा। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें आप लोगों को? अब चलिए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 54 रुपये 36 पैसे डाला हुआ है, अब देखिए मैं इसको क्या कैसा शो करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जीरो हैश डॉट डॉट नहीं यहाँ रुपीज, डॉट जीरो जीरो सामने आ गया 54 रुपीज एंड 36 पैसा। राइट, सर आपने पॉइंट लगाया था क्या वो फॉर्मूला में? जी ये जो पॉइंट है 54.36, हाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल्स के लिए पॉइंट तो लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पॉइंट लगा है, 0.00 किया। यहाँ पे देखिए हमने जीरो हैश दिया, हम यहाँ डबल जीरो भी दे सकते हैं कोई फर्क नहीं होगा। फर्क कब होगा, जब मैं सिर्फ डेसिमल में डबल जीरो देखेगा, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। चलिए डबल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल टाइम में हैश डाल देते हैं। तो डबल टाइम अगर मैं हैश डाल दूंगा तो सिर्फ रुपीज दिखेगा, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं तो आपको सही दिखेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि 5 रुपये 30 पैसे डालूंगा तो 5 रुपीज दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 05 शो करना है, इसलिए मैंने 0 के बाद 1 हैश दिया।
हैश और जीरो का फंडा समझ में आ गया? अगर हम सिर्फ जीरो जीरो डालेंगे तो भी नहीं चलेगा क्या इसमें? जीरो जीरो डाला तो यहाँ देखा ना था आपने कि जब मैंने जस्ट पैसे में डाला तो यहाँ पे डबल जीरो सिर्फ दिख रहा था, जो कि और लग रहा था ना। नहीं, बट अगर हमें 5 रुपीज ही शो करना है तो हम जीरो डाल सकते हैं ना जी हाँ, कैश जीरो के जी हाँ बदले? जी हाँ जी हाँ। मैंने आपको हर एक एंगल से दिखाया, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज और भी है, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डालना होता है। हम सिर्फ 8 डिजिट डालते हैं, फर्स्ट 4 एंड सेकेंड 4, लेकिन मुझे शो कुछ इस तरह से करना है। तो मैं वहां पे 1236 डाला, 8521 डाला, लेकिन मुझे शो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं ऐसे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 टाइम 0 या हैश देंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में एक्स देंगे, 8 टाइम एक्स, उसके बाद अगेन 4 टाइम 0 देंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि मैं अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ, नंबर 10 नंबर 11 शो हो रहा है। जैसे मैं 12वां नंबर लिखता हूं तो प्लस, साइंटिफिक फॉर्मेट में जो प्लस का नंबर आ जाता है इसको साइंटिफिक फॉर्मेट कहते हैं, इस साइंटिफिक फॉर्मेट में आपको शो करता है। मैं चाहता हूं साइंटिफिक फॉर्मेट में शो ना हो, नंबर में शो हो। तो यहां आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कस्टम पे जाइए, 10 या 1 हैश देके नंबर शो होगा। लेकिन ध्यान रखिए, नंबर शो होगा 12 13 14 15 तक शो होगा, 16 नंबर जैसे आप डालेंगे वो जीरो कन्वर्ट हो जाएगा। 16 के बाद जितना भी नंबर डालेंगे सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ये पर्सनल कंप्यूटर 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन के लिए ही सक्षम है, इसलिए एक्सेल के अंदर में 15 डिजिट से ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। ओके, लेकिन अगर आपको डालना है तो सिंगल कोड लगाएं या टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, उतना नहीं जितना मर्जी, इसकी भी लिमिटेशन है, 32,700 समथिंग आप इसमें नंबर को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है सर? अब आते हैं, अब तो नंबर को अच्छे समझ लिए, अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे लिखना होता है m/ms यहाँ पे IPT, और ये हमेशा कंपनी का नाम में मुझे लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आऊंगा, नहीं टेक्स्ट में कस्टम है, माफ कीजिए कस्टम में, और मुझे लास्ट में लगाना है तो ऐट द रेट, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं पहले लगाना ना, हाँ m/s, और यहाँ पे हमने ऐट द रेट कर दिया, तो क्या होगा IP। अब इसे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, आप अगर
इसमें हैश देते हैं, जीरो देते हैं, तो आपके वो नंबर को डिनोट करता है। अगर आप इसमें एट द रेट देते हैं तो टैक्स को डिनोट करता है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस में एरिया एरिया और एरिया कोड हम सब में सेम डालते हैं। तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, न्यू दिल्ली 11062, और यहाँ पे एंटर मार दीजिए। नहीं माफ़ कीजिएगा, एंटर नहीं, हमें इसके पहले एट द रेट लगाना होगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे F120 करके एंटर मारा, अपने आप देखिए आ गया न्यू दिल्ली। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट की। जैसे मान लीजिए कि आज का डेट आपने डाला, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में एक है, एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट हैश। कंट्रोल शिफ्ट हैश करते हो तो क्या होगा, ए फॉर्मेट आएगा। लेकिन अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर डे को डिनोट करता है तो डी होता है, मंथ को करना है तो एम होता है, ईयर को करना है तो वाई होता है। तो जैसे कि आज का मैंने अगर डी करा तो आज 18 तारीख है तो यहाँ 18 आ गया। डबल डी किया फिर भी 18 ही दिख रहा है। अगर ये 5 होता तो 05 दिखता, 8 होता तो 08 दिखता। अगर मैं 3 बार डी करूँगा तो आप यहाँ ऊपर देखिए ट्यूजडे हो गया। अगर मैं 4 बार करूँगा तो ट्यूजडे शॉर्ट फॉर्म में था, आपका लॉन्ग फॉर्मेट में हो गया। उसी तरीके से अगर मैं एम की बात करूं तो एक किया एम तो आपका मंथ आ गया। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा सैंपल रिजल्ट। अगर मैं 2 बार एम करूं तो क्या होगा, 05। 3 बार करूं तो जैन 5 शॉर्ट में होगा। 4 बार करूं तो कंप्लीट आएगा। अब मैं शॉर्ट और फुल एक ही होता है, अगर इसमें जून होता या जनवरी होता तो पूरा शो करता। अगर मैंने 5 बार एम लिखा तो मंथ का फर्स्ट लेटर जैन का जे, 5 का एफ, ऐसे आएगा। और 5 से ऊपर करूँ तो वापस मैं फुल आएगा। उसी तरीके से यहाँ वाई है, एक वाई या 2 वाई करें तो आपको दिखेगा, अगर 2 से ज़्यादा करते हैं तो फुल दिखेगा। अब इसको अपने हिसाब से जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, जैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डेट फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। सर आपने शॉर्टकट की क्या बोला इसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट हैश। बस कुछ नहीं, बैठे। अब यहां देखिए मैं करता हूं डी 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 डी, 3 बार डी किया कॉमा एम, यहाँ अगेन एक बार डी डी लिखा, डेट आ गया। इसके बाद डैश दिया एम 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 एन, यहाँ पे कर दिया वाई वाई, ठीक है। तो आप भी इस तरह का डेट अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते। ठीक है, ओके सर।
तो डेट समझ में आ गया। अब डेट के बाद हम बात करते हैं टाइम में। यहाँ पे 10:20 है। अब टाइम में क्या होता है कि आपका एच जो होता है आवर के लिए होता है। यहाँ देखिए 10 आ गया, एच कीजिए या दो बार एच कीजिए, तीन बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार करना है हमारा। फिर आता है एम एम मिनट के लिए होता है, तीन बार करेंगे तो फिर जैन फैन में चला जाएगा, इसे दो बार करना है। उसके बाद एस फॉर सेकेंड, AM PM करना है तो AM PM/AM/PM पहले या लास्ट में या कहीं भी इसको लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो जो AM PM करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, आपका रिजल्ट आपके सामने। ओके सर, तो इस तरह से आप अपना कस्टम फॉर्मेटिंग में डेट एंड टाइम और टेक्स्ट को या नंबर को कर सकते हैं। अब इसमें आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे तभी जब आप अपना आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, तो अभी ये आर्टिकल वो कंप्लीट कर ले, फिर हम एक प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर करेंगे और आपको जो है इसके एडवांस फीचर्स में आपको समझाऊंगा। अब आप लोगों के पास कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए।